हिमालय भारत के लिए जल का स्रोत है, नदियों का स्रोत है। अतः नदियों के स्रोत के पास आकर मैं भारत के लोगों से अपील करता हूँ कि जल बचाओ, सेव वाटर। ये है IAS रविंद्र कुमार, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं बल्कि दो बार चढ़कर तिरंगा फहराया और देश का नाम ऊंचा किया। ऐसा कारनामा करने वाले रविंद्र कुमार एक लौते IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में रविंद्र कुमार झांसी के जिलाधिकारी हैं और जब ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे तो देखिए इन्होंने वहां से दुनिया भर के लिए क्या संदेश भेजा था। आज मैं विश्व के सबसे ऊंचे स्थान माउंट एवरेस्ट पर, जो कि हिमालय का भी सबसे ऊंचा स्थान है और हिमालय भारत के लिए जल का स्रोत है, नदियों का स्रोत है। अतः नदियों के स्रोत के पास आकर मैं भारत के लोगों से अपील करता हूँ कि जल बचाओ, सेव वाटर, ताकि अगले जेनरेशन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। 1.25 बिलियन लोग अगर थोड़ा थोड़ा पानी सेव करें तो हमारे आने वाले संतान को तो पीने का पानी का दिक्कत नहीं होगा। झांसी के DM रविंद्र कुमार से हमारे संवाददाता ने जब बातचीत की तो देखिए उन्होंने अपनी इस कामयाबी पर क्या कुछ कहा। तो हम आपको एक खास अधिकारी से मिलाने जा रहे हैं जो इस वक्त झांसी के DM हैं, लेकिन वो पहले IAS अधिकारी हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर दो बार तिरंगा फहराने में कामयाबी हासिल की। हमारे सर रविंद्र कुमार हैं, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, कैसे आप IAS अधिकारी के तौर पर दो बार माउंट एवरेस्ट पहुंचे? देखिए 2013 में हमने फर्स्ट टाइम नेपाल तरफ से क्लाइंब की थी और 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया तो मुझे लगा कि उसको लेकर एवरेस्ट की चोटी से अपील करना चाहिए, अवेयरनेस जगेगा और इम्प्लीमेंटेशन में फ़ायदा होगा। 15 में हम लोग गए थे लेकिन नेपाल अर्थक्वेक के कारण वापस आना पड़ा। फिर 2019 में हमने स्वच्छ भारत अभियान प्लस जल संरक्षण का मुद्दा लेके गए थे, ऊपर में गंगा जल अर्पित किया और जल संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। इस बार आप झांसी के DM हैं तो माउंट एवरेस्ट से जो प्रेरणा आपको मिली दो बार, उसको आप जमीन पर किस तरह से उतार रहे हैं? देखिए जो जल संरक्षण की जो ललक थी, जो कि हमने एवरेस्ट की चोटी से अपील किया, जब मुझे जल संरक्षण पे काम करने का मौका मिला तो जनपद बुलंदशहर में हमने 150 किलोमीटर लंबी नीम नदी को पुनर्जीवित किया और झांसी में चार नदी, कनेरा नदी, सुखनई, लखेरी और छेंच नदी, एक पे काम पूरा हो गया है, तीन पे चल रहा है। पुराने कई चंदेलकालीन तालाब को पुनर्जीवित करने का काम किया जो सैकड़ों हेक्टेयर में थे। बहुत सारे रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, किसानों की प्राइवेट लैंड पे तालाब, इस तरह से जो ऐसे प्लांट हो जो कि वृक्षारोपण में कम पानी खाते हो, जैसे चिरौल 40 लाख से ज़्यादा की, इस सब का असर ये हुआ कि पिछले साल का प्री मानसून का मेजरमेंट और इस साल 2023 का प्री मानसून का जो भूजल का मेजरमेंट है उसमें 1.74 मीटर की बढ़त पाई गई, जिससे वहाँ के लोगों को राहत मिला और मुझे लगा कि यही असली काम है। बहुत धन्यवाद। तो ये है रविंद्र कुमार जो झांसी के DM के तौर पर जल संरक्षण को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं और क्योंकि बुंदेलखंड का इलाका पिछले कई सालों से पानी की समस्या से भी जूझ रहा है, तो एक तरह से माउंट एवरेस्ट से मिली प्रेरणा को असल में अधिकारी के तौर पर वो जमीन पर उतारने का भी काम कर रहे हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली। फिलहाल झांसी के DM रविंद्र कुमार माउंट एवरेस्ट से मिली जल संरक्षण की प्रेरणा को बुंदेलखंड में लागू कर रहे हैं। उनकी इस पहल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।